हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश की इस सबसे बड़ी वैकेंसी, इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी, 62,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है। 3 साल उम्र की भी छूट मिल गई है, तो अब हम लोगों को लग जाना है। 1 से 1.5 महीने का ही हमारे पास समय है, तो इसी बीच हम अपनी तैयारी ऐसे रखेंगे जैसे कि हम 30 मार्क खा है, मतलब कि 62,000 में एक सीट किसका है, एक सीट आपका है, सिर्फ आपका है। 62,000 में एक सीट आपका है, बाकी पे पूरे उत्तर प्रदेश वाले लोग, अन्य राज्य वाले लोग लड़े, ठीक है। इतना निश्चित हम लोगों को करके चलना है। साथियों, हम बात कर रहे हैं आज रीजनिंग की। हम लोगों ने मैथ की क्लास देख लिया है, वैसे ही आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्विक रिविजन की ये क्लास चल रही है, यानी कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन कराना, यही एकमात्र मेरा उद्देश्य है। इस सर्दी में वर्दी आपको दिलाना मेरा उद्देश्य है। साथियों, शुरू करते हैं आज का रीजनिंग का क्लास, और रीजनिंग के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पहला चैप्टर, सादृश्यता। सादृश्यता, सादृश्यता या फिर कह सकते हैं समानता। समानता ये हम लोग पहला चैप्टर देखने वाले हैं, और पहले चैप्टर से लेकर के अंतिम चैप्टर तक मैं पूरा आप लोगों का कोर्स पूरा करवाऊंगा। क्विक रिवीजन मतलब कि थोड़ा थोड़ा ही आप लोगों को क्विक रिवीजन हो जाए, ऐसा इसमें पूरा कराया जाएगा। साथियों, बात करते हैं सादृश्यता की। सादृश्यता क्या होता है? सा मतलब उसी के समान, दृश्यता मतलब प्रतीत होता है, उसी के समान प्रतीत होता है। समानता मतलब उसी की तरह, जैसे कि यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि x का जो संबंध y से है, p का वही संबंध यहां पे प्रश्नवाचक स्थान पे किससे होगा, ऐसे प्रश्न आपको इस चैप्टर में देखने को मिलने वाले हैं। यानी x का जो संबंध y से है, p का वही संबंध क्या होगा, ये आप लोगों को बताना रहेगा। तो आइए देखते हैं पूरा कैसे कैसे इसमें प्रश्न आते हैं, क्या क्या इसमें होता है। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है शब्द समानता, शब्द समानता। दूसरा होता है अक्षर समानता, अक्षर समानता। और तीसरा क्या होता है? अंक समानता, अंक समानता। ये 3 प्रकार से इस चैप्टर में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी शब्दों को लेकर खेलना है, अक्षरों को लेकर खेलना है, और अंक को लेकर के खेलना है, ठीक है, खेलना है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं कैसे कैसे इसमें प्रश्न बनते हैं। पहला है शब्द समानता। शब्द समानता में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। एक प्रश्न है नदी का जो संबंध धारा से है, ध्यान रखिएगा, नदी का जो संबंध धारा से है, महासागर, महासागर का ये संबंध किससे है। आप लोगों को पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। आप हमें ए टू जेड क्लासेस इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। 41,000 प्लस उस पे फॉलोवर्स हैं, आप उस पे फॉलो कर लीजिएगा। स्टोरी में क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आप यदि पर्सनली मैसेज मुझे करते हैं तो वहां पे भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ उसमें जो पोस्ट होता है वहां पे आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसकी आईडी है A2ZCLASSES क्लासेस नंबर 1, ठीक, इसकी आईडी है। तो यहां पे आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा, और कोई भी दिक्कत परेशानी, दुख व्यथा पीड़ा कुछ भी हो, आप हमसे साझा कर सकते हैं, मिल सकते हैं, जुल सकते हैं, कुछ भी मतलब कर सकते हैं। आइए, नदी धारा महासागर, इनमें संबंध बताना है। नदी का जो संबंध धारा से है, महासागर का वही संबंध किससे होगा। पहला है प्रवाह से होगा, ये प्रवाह लिखा गया है, ठीक है, प्रवाह से होगा।
तालाब से होगा, बांध से होगा, या चौथा है समुद्र से होगा। प्रवाह, तालाब, बांध, समुद्र, ये बताइए किससे होगा। ध्यान रखिए, नदी का धारा होता है तो तालाब तो एक अलग ही हो गया, तालाब छोटा रूप हो गया। समुद्र ये और बड़ा रूप हो गया, महासागर से छोटा हो गया, नदी से बड़ा हो गया। बांध और प्रवाह में दिक्कत है, बांध और प्रवाह में दिक्कत है, लेकिन बांध तो ये हो गया कि पानी को रोक दिया जा रहा है। यहाँ पे नदी जब होती है तो उसमें धारा चलता है, धारा होता है, तो बांध हो जाएगा तो पानी रुक जाएगा, बांध से क्या होता है पानी रुक जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, प्रवाह इसमें क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको ये शब्द समानता में देखने को मिलेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं अक्षर समानता, एक एक करके बात कर लेते हैं, फिर हम लोग इस पर अधिक से अधिक क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। और आप हमें और अधिक क्वेश्चनों के लिए मैसेज कर सकते हैं। अक्षर समानता, अक्षर समानता में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वही अक्षरों वाला खेल होता है। जैसे ध्यान रखिएगा, एस डब्ल्यू का संबंध टी एक्स से है, ठीक है, तो हमें बताना है एच एल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। पहला है आपका झारखंड, आई मीन जेके, दूसरा है आईएम, तीसरा है आईके, और चौथा है जेएम। आपको बताना है क्या है। ऐसे क्वेश्चनों में करने का तरीका देखिए, बहुत ही आसान होता है। ऐसे क्वेश्चनों में हमें नंबरिंग याद होना बहुत ही अति आवश्यक है, नंबरिंग याद होना अति आवश्यक है। नंबरिंग मतलब क्या, ये एस कितने स्थान पे आता है तो 19वें स्थान पे, डब्ल्यू 23वें स्थान पे, टी कितने पे आता है 20 पे आता है, और एक्स कितने पे आता है तो 24 पे आता है। अब ध्यान रखिए, 19 से 20 हो रहा है, 23 से 24 हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, वैसे ही यहां पे एच कितने पे आता है 8 पे आता है, एल 12 पे आता है, तो यहां से ये होगा तो 8 के आगे 9 और 9 पे क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, और 12 12 पे एल तो 13 पे एम, तो आई एम हमारा जहां भी होगा वो उत्तर सही हो जाएगा, आई एम। ऐसे ही इसमें प्रश्न करना रहता है। ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्नों को जब भी आप लगाएं आपको नंबरिंग आनी चाहिए, याद होनी चाहिए एक से लेकर के जेड तक। अगर आपको नहीं याद है तो मेरी प्रीवियस क्लास पड़ी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। आगे भी आपको कोडिंग रिकोडिंग में इसको याद करने का तरीका पूरा बताया जाएगा, शॉर्ट में भी पूरा वीडियो बना करके बताया गया है कि ए से लेकर के जेड तक आप कैसे पूरा याद कर सकते हैं, आप शॉर्ट में भी जा करके देख सकते हैं। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में एक वर्दी अपना कंफर्म करने के लिए ये पूरा क्लास लगाए हुए हैं, और हम लोग वर्दी लेकर रहेंगे। तो ये हो गया अक्षर समानता। अब तीसरा होता है संख्या समानता। इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी देख लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं। आप लोगों की यदि वर्दी क्लियर करनी है तो मेरी एक बात मानिए, निश्चित ही आप सफलता के बहुत ही नज़दीक हैं और जल्द ही आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन कब, जब मेरी एक बात आप मानेंगे, और वो कौन सी बात है कि आप यदि आप प्रतिदिन आप दो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, प्रतिदिन आप दो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, किस मोमेंट में गलत हुआ, कौन सा चैप्टर मेरा कमजोर है, किस तरफ मुझे ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा मेरा सही है उसमें कम ध्यान दें लेकिन उसको छोड़े नहीं, ये सारा कुछ एनालिसिस कहलाता है। तो वो भी यदि आप करते हैं, मान लीजिए एक प्रैक्टिस सेट में आपको लगता है 1.5 से 2 घंटा, दूसरे में लगता है 2 घंटा 4 घंटा हो गया, 1-2 घंटा आपको एनालिसिस करने में 6 घंटा हो गया, और 2 घंटा 2.5-3 घंटा में आपको क्या करना है, ये पूरा कोर्स पढ़ना है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके करंट अफेयर, इतना ही पढ़ना है, आपका वर्दी आपके पास होगा, ठीक है।
तो हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं कौन सा, हम लोगों ने पढ़ लिया अक्षर समानता, हम लोगों ने पढ़ लिया शब्द समानता, अब हम लोगों को पढ़ना है अंक समानता। ठीक है, अंक समानता कैसे पूछा जाता है, संख्याओं के साथ खेलना रहता है। जैसे माइनस 3/7 का जो संबंध है वही 7/3 का संबंध है, आपको तब बताना है कि 2/9 का जो संबंध है यहाँ पे प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, बिना ऑप्शन के इसको कर सकते हैं। ध्यान रखिए 3/7 यहाँ पे है, माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे संख्या पलट जा रही है, 7/3 हो जा रहा है, माइनस का प्लस हो जा रहा है। वैसे ही यहाँ पे देखिए 2/9 है तो संख्या पलट जाएगी, 9/2 हो जाएगी, और यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है तो आगे क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ऐसे ही आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा 9/2 और जाके लास्ट में चौथा ऑप्शन क्या रहेगा, -9/2। तो यही जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, बहुत ही बारीकी से हमें प्रश्न को देखना है, उत्तर को देखना है, ऑप्शन को देखना है, ताकि हमारा एक भी नंबर गलत न हो। ठीक है, ये तो हो गया, इन तीनों का हम लोगों ने देख लिया, प्रश्न उत्तर भी हम लोग इस पे करेंगे। हम लोग ये क्लास केवल क्विक रिवीजन कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर हम लोगों का है वर्गीकरण या विषमता, वर्गीकरण या विषमता दूसरा चैप्टर हम लोग देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे। वर्गीकरण छोटे चैप्टर को निपटा लिया जाता है, वर्गीकरण या विषमता। ठीक, वर्गीकरण या विषमता, इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आपको चार ऑप्शन दिया रहेगा, ए बी सी डी, चार ऑप्शन दिया रहेगा और पूछेगा कि अन्य तीन से एक भिन्न कौन सा है, कौन अन्य तीन से एक भिन्न है, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इसमें कैसे प्रश्न आएंगे, जैसे कि इसमें भी तीन प्रकार से आते हैं, अंक वाला, अक्षर वाला, ऐसे लेकर के प्रश्न इसमें भी पूछे जाते हैं, अन्य तीन से एक भिन्न कौन सा है ये बाम को बताना रहता है। ठीक, तो इसमें मान लीजिए कि दे दिया कि 3 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया और 7 दे दिया, तो हमें अब इसमें बताना है कि अन्य तीन से भिन्न कौन सा है। तो इसमें करने के लिए ध्यान से देखिए, सभी प्रश्न ऐसे आएंगे, ध्यान से देखिए यहां पे 3, 5, 7 ये सब संख्याएं कैसी हैं, तो ये सब संख्याएं विषम संख्याएं हैं, वहीं पे 6 क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, ये 6 क्या है, सम संख्या है, या फिर 3, 5, 7 अभाज्य है और 6 क्या है, भाज्य है, इसके तौर पे हमारा 6 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये अंक वाला हो गया। ठीक है, ऐसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। दूसरा हो गया, दूसरा कैसे पूछता है, ध्यान रखिएगा, बकरी, गाय, भैंस और बकरी, गाय, भैंस और सांप। ठीक है, अब इसमें बताना है कि अन्य तीन से भिन्न कौन सा है, तो ध्यान रखिए बकरी, गाय, भैंस ये सब क्या है, ये दुधारू हैं, मतलब कि दूध देती हैं। ठीक है, दूध देती हैं ये बकरी, भैंस, गाय, इसका दूध निकलता है, सांप का दूध निकलता है, सांप के नगिनियक दूध निकलता है। ठीक है, तो सांप का दूध नहीं निकलता है तो सांप हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जो नागिन होती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सांप की बात कर रहे हैं, तो सांप हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें एक आप लोगों को ये ध्यान रखिएगा, जो ए से लेकर के जेड तक हमारा अक्षर है
वो कितने नंबर पे आता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्यों कि जब अक्षर से लेकर के पूछा जाता है तो उसमें ये बहुत काम आता है, ठीक है। ए से लेकर के जेड तक याद कर लीजिए, शॉर्ट वीडियो भी बनी हुई है और इसका लॉन्ग भी बना हुआ है। जैसे अब देखिए एक क्वेश्चन है, ए सी ई, ठीक है, ए सी ई, जी आई के, तीसरा है जे एल एम और चौथा है एस यू डब्ल्यू। ये दे दिया कि ए बी सी और डी, अन्य तीन से एक भिन्न कौन सा है ये हमको बताना है। तो जब हमको ए से लेकर के जेड तक याद रहेगा नंबरिंग, तभी तो हम ऐसे सवालों को कर पाएंगे, वरना कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अब ध्यान रखिए, ए का क्या हो गया, एक हो गया, यहां पे सी का तीन हो गया, ई का पांच हो गया, ऐसे ही हमको नंबरिंग कर लेना है। जी का क्या हो गया, जी का सेवन हो गया, आई का नौ हो गया, के का ग्यारह हो गया, जे का कितना हो गया तो 10 हो गया, L का 12 हो गया, M का 13 हो गया, S का कितना हो गया 19 हो गया, U का कितना हो गया 21 हो गया और W का 23 हो गया। जब हमको नंबरिंग याद रहेगी तभी हम ऐसी संख्याओं को कर पाएंगे, ऐसे सवालों को कर पाएंगे। यहां देखिए 1 3 5, दो दो का गैप है, यहाँ पे 7 2 9 2 11, दो का गैप है, यहाँ पे 19 2 21 2 23, दो का गैप है, लेकिन यहाँ पे क्या है 10 2 12, दो का गैप है लेकिन यहाँ पे तुरंत एक संख्या आ जा रही है 13। तो इसका मतलब जे एल एम हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो हमको ये ए से लेकर के जेड तक याद करना ही करना है, ठीक है। हमको ऐसे ये सवाल छूट जाएगा अगर हम नहीं याद करते हैं तो, और कोडिंग डिकोडिंग में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बिना आगे बढ़ना ही कह लीजिए, रीजनिंग में इसके बिना आगे बढ़ना कह लीजिए बहुत ही खतरनाक होता है। तीसरा सवाल एक पूछा है, भूगोल भौतिकी, भूगोल भौतिकी, ठीक है, भूगोल भौतिकी, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, कौन सा सही है, कौन अन्य तीन से एक भिन्न है ये बताइए। नंबरिंग कर देते हैं ए बी सी डी। यहां पे देखिए भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी से आप कंफ्यूज मत होइएगा, भौतिकी मतलब भौतिक विज्ञान, ठीक है, तो ये भी विज्ञान का एक पार्ट है, जीव विज्ञान भी विज्ञान का एक पार्ट है और रसायन विज्ञान भी विज्ञान का पार्ट है, लेकिन भूगोल क्या है, विज्ञान का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चनों की श्रृंखला आपको मिल जाएगी। हमको ए टू जेड क्लासेस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, 41,000 प्लस उस पे फॉलोअर्स हैं, स्टोरी में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, पोस्ट में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे और यदि आप पर्सनल एसएमएस करते हैं तो वहां से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जो भी दिक्कत है, परेशानी है, आप हमसे कर सकते हैं। दो चैप्टर क्विक रिविजन में समाप्त हो गया, ऐसे ही हम पूरा चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। साथियों, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इस 60,000 प्लस में एक वर्दी अपना निश्चित करना चाहते हैं, वो ए टू जेड क्लासेस के साथ जरूर जुड़ें और निश्चित ही सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।